हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IGCAR। IGCAR का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। में आई हुई वैकेंसी के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। यहां पे जो है बीटेक के कैंडिडेट, बीएससी कैंडिडेट, फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है एलिजिबल हैं, तो इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये जो है एक तरह का रिसर्च प्रोग्राम है जिसमें जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहा जाता है। जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर की बात की जाए तो देखिए इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 03/2019 है। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पर 30 जो है नंबर ऑफ सीट्स है, जिसकी लास्ट डेट जो रखी गई है आपका 20/5/2019 की इसकी लास्ट डेट रखी गई है। इसका जो जॉब लोकेशन होगा आपका कल्पक्कम यानी कि जो तमिलनाडु में है वहाँ पे जो है आप उसका जॉब लोकेशन होगा। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, ये जो है जैसे कि मैंने आपको बताया ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। तो इसमें जो है किस किस फील्ड में जो है आपका एरिया ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट जो होंगे, तो देखिए यहाँ पे जो है फिजिकल साइंस में, केमिकल साइंस में और इंजीनियरिंग साइंस में जो है आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, जो काफ़ी डिटेल में दिया गया है वो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जान सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे कि यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है और जो भी रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में ही यहाँ पे बीटेक के कैंडिडेट, बीएससी कैंडिडेट 55% जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ अगर आपने एमएससी एमटेक भी कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। मिनिमम जो है आपको 55% यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है कि पहला कैटेगराइजेशन जैसे कैटेगरी ए के लिए किया गया है, जहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे मास्टर्स इन साइंस और इंटीग्रेटेड एमएससी इज एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होना चाहिए आपका फिजिक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल मेथड मस्ट बी वन ऑफ द सब्जेक्ट एट द एमएससी लेवल एंड केमिस्ट्री एज एंसिलरी एट द बीएससी लेवल। देन इसी तरह बात किया जाए मटेरियल साइंस और मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग की, तो यहाँ पे फिजिक्स मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री एट बीएससी लेवल में होना चाहिए या फिर बीएससी इन मटेरियल साइंस में आपको यहाँ पे एमएससी होना चाहिए। बीएससी जो आपका मटेरियल साइंस में यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है मास्टर्स यानी कि एमएससी के कैंडिडेट के लिए है कैटेगरी ए। देन दूसरी बात किया जाए यहाँ पे कैटेगरी बी जिसमें एमटेक वाले कैंडिडेट हैं, तो एमटेक में जो है आपका एमटेक एंड एमई इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग या फिर न्यूक्लियर साइंस टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। देन कैटेगरी सी की बात किया जाए यहाँ पे, तो कैटेगरी सी में जो है बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग और बीएससी टेक्निकल के कोई भी सब्जेक्ट विद वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, जैसे कि इसमें केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, मेटलर्जी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस और मटेरियल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग फिजिक्स कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें आपका गेट का वैलिड स्कोर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जो आपका कैटेगरी सी है। बाकी जो एमएससी और जो मैंने अभी आपको ऊपर वाली चीज़ें बताएं उसमें जो है आपका यूजीसी जो नेट होता है वहाँ के मार्क्स जो है यहाँ पे उसके यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। देन यहाँ पे कैटेगरी डी जो बनाई गई है वो कैंडिडेट विथ एमटेक होना चाहिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि एडमिशन टू द एमटेक शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। अगर आपने एडमिशन ले रखा है और गेट स्कोर के बेसिस पे तो आप जो है कैटेगरी डी के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो। तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांच एलिजिबल हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सी कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, मतलब कौन से ब्रांच के कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो बात की जाए बीटेक की, तो बैचलर्स डिग्री इन एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल रिलायबिलिटी, सेरेमिक, आर्किटेक्चर, माइनिंग, बायोलॉजिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल। देन यहाँ पे एनर्जी सिस्टम, ये सारी ब्रांच जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ जो बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते और मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन इन एमएससी भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो है लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड क्लियरली इंडिकेट द डिटेल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन गेट यूसी नेट लिस्टेड अबव द कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड सबमिट द प्रूफ ऑफ एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये देखिए जैसे कि आपको मैंने बताया कि गेट का स्कोर और यूसी नेट का स्कोर यहाँ पे आपका वैलिड होगा। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो देखिए क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे रखा गया है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आपका कैटेगरी ए और कैटेगरी बी के लिए जो है रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, देन फॉलोड बाई इंटरव्यू होगा। तो रिटर्न एग्जामिनेशन जो होगा आपका 9/6/2019 में होगा और ये चेन्नई में आपका इसका इंटरव्यू होगा, साथ ही साथ वहाँ पर एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। देन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है कि कितना मार्क्स आना चाहिए या होना चाहिए आपका यूसी नेट में, तो जाके आप यहाँ पे आपको कंसिडरेशन किया जाएगा। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि जो कैटेगरी सी और डी है उसमें सिर्फ गेट स्कोर के बेसिस में ही सिलेक्शन होगा, ना ही यहाँ पे किसी प्रकार का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा।
देन यहाँ पे जो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो इंटरव्यू होगा वो आपका कलपक्कम और चेन्नई में ही होगा। तो जो जो कलपक्कम है वो तमिलनाडु में है, वहाँ पे जो है आपका यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितना सैलरी वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको जो सैलरी है, पहले तो ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको स्टाइपेंड पे किया जाएगा जो 31,000 पर मंथ होगा, और ये जो है इनिशियली 2 ईयर के लिए होगा। अगर आपका काम जो है इनको पसंद आया तो ये जो रिसर्चशिप है वो आपका 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जहाँ पे आपको 35,000 पर मंथ जो है सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ रहने के लिए फैसिलिटीज़ जैसे कि आपको हाउस वगैरह ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, और 32,000 जो है आपको पर ईयर जो है बुक अलाउंस यहाँ पे मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा चांसेस है जिनके गेट क्वालिफाई कर रखे हैं, यूसी नेट क्वालिफाई कर रखे हैं वो कैंडिडेट के लिए। अब हम बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो है आप ये फॉर्म को जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है आपका 1/5/2019 से स्टार्ट हो रहा है, 20/5/2019 तक ये आपका रहेगा। वेबसाइट का नाम है www.igcar.gov.in, वहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ये फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है। जैसा कि ये मैंने आपको बताया था पहले ही, ये जो है फॉर्म है उसका टेंटिव डेट जो है जो साइंस वाली डिसिप्लिन है उसका 9/6/2019 रखा गया, और जो इंजीनियरिंग वाली डिसिप्लिन है उसके लिए कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं है। इंटरव्यू जो है दोनों के लिए है, तो यहाँ पे इंटरव्यू की डेट भी लिखी हुई है, तो उसके बेसिस पे जो है आप जान सकते हो। सो फ्रेंड, इस डेट को जो है आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस नोटिफिकेशन को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके डाउनलोड करके आप इस नोटिफिकेशन को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ज़रूर, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही हमारा मोटिवेशन बूस्टअप होता है। हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस लेके आते हैं। हालांकि मुझे कुछ दिन से बहुत से टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आप लोगों के लिए मैं टाइम निकाल के कुछ ऐसे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। और देन दूसरी बात यह कि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनका रिक्वेस्ट था कि जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 था, जैसे प्लांट ऑपरेटर इन सबका जो स्किल टेस्ट है उसके रिगार्डिंग, तो उसके लिए रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसके बेसिस पे जो आप स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।